वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों और छोटे एवं मध्य उद्यमों के लिए रेलवे नए प्रोडक्ट और लॉजिस्टिक सर्विस विकसित करेगा। इससे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गति शक्ति कार्गो का भी प्लान है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक वृद्धि के लिए 7 इंजन शामिल हैं। ये 7 इंजन सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचा है। ये सभी 7 इंजन अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी और यात्री सवारी अनुभव के साथ 400 नई पीढ़ी वंदे भारत रेलवे कॉटन का निर्माण अगले 3 सालों में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।